तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे से ठीक पहले प्रजातंत्र टीवी एग्जिट पोल आपके सामने लेकर आया है और इस एग्जिट पोल के साथ ही आपके साथ में जोड़ेंगे एक पूरा पैनल जो कि सटीक और बेबाक विश्लेषण आपके सामने हम रखेंगे। हम आपको बताएंगे सटीक और बेबाक विश्लेषण के दौरान हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और दोस्तों, जिस तरीके से दो दिन लगातार कई एग्जिट पोल्स आए जिसमें कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, लेकिन हमारा एग्जिट पोल बिल्कुल ग्रामीण, जमीनी और सटीक एग्जिट पोल होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने कई मुद्दे नहीं उठाए और विपक्ष ने वो मुद्दे उठाए जिनको प्रदेश की जरूरत थी। तो ऐसे में हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो एग्जिट पोल होगा वो बिल्कुल सटीक होगा और उसी को हम परिणाम मानेंगे, हालांकि एग्जिट पोल से परिणाम अलग आ सकते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले और एवं विश्लेषण करने से शुरू करने से पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा जो कि 4PM के संपादक हैं, उनका मैं लेख पढ़ रहा था। उनके लेख में जो सटीक एग्जिट पोल के बारे में लिखा उसको हम आपको बताते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे के क्या होंगे इसका तो 10 मार्च को पता चलेगा, मात्र दो दिन की बात है, मतगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल से सट्टा बाजार में बाहर आ गई है। एग्जिट पोल में यूपी में भाजपा सरकार के दोबारा बनने के आसार से सट्टा बाजार में हजारों करोड़ों के बारे न्यारे हो गए मेरे दोस्तों। सट्टा बाजार में भारतीय जनता पार्टी पहले और सपा दूसरे नंबर पर चल रही है। सूत्रों का कहना है कि एग्जिट पोल के पीछे सट्टा बाजार का सारा खेल काम कर रहा है। अगर नतीजे ऐसे नहीं आए तो इसकी पुष्टि हो जाएगी कि कुछ लोगों का फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह एग्जिट पोल कराए गए हैं। वहीं विपक्ष ने एग्जिट पोल के नतीजों को सिरे से खारिज कर दिया। एग्जिट पोल को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे। कई बार एग्जिट पोल पूरी तरह से असली नतीजों के सामने धराशायी हो जाते हैं। मसलन पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव आपने देखा होगा, जहां पर एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीती हुई दिखाई दे रही थी। क्या वो एग्जिट पोल नहीं देखे आपने? क्या दिल्ली के एग्जिट पोल नहीं देखे जिसमें भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से दिखाई दे रही थी कि पूर्ण रूप से दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी? वहां पर क्या हुआ? मैं उन्हें एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं। मसलन आप बिहार की देख लीजिए, मैं तो उस वक्त बिहार में था, कहा कि भैया तेजस्वी यादव की पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, इस बार नीतीश कुमार की छुट्टी, लेकिन फिर क्या हुआ? अब मुझे ये बताइए कि इन सबके दौरान अधिकांश एग्जिट पोल में भाजपा को जीतता हुआ बताया गया था, लेकिन फिर बंगाल में क्या हुआ? ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने 292 में 213 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की, भाजपा को 77 सीटें मिली। कहां पूर्ण बहुमत की बात कर रहे थे? इसी तरह दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। और मैं यहां पर एक चीज और आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाऊंगा कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में, यानी 5 साल पहले की बात है, वहां पर कांग्रेस को इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी इनके एग्जिट पोल ने, वहां क्या हुआ? भाजपा आई। तो गुजरात को देख लीजिए, दिल्ली को देख लीजिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में तमाम एग्जिट पोल जो है वो फेल हो चुके हैं। ऐसे में अगर यूपी विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल की बाजीगरी से इस बात की आशंका को बल मिल रहा है कि इसके पीछे सट्टा बाजार काम कर रहा है मेरे दोस्तों। और मैं ये बताना चाहूंगा, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से एग्जिट पोल्स कई चैनल्स दिखा रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में किसान दुखी नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के किसान धरने पर नहीं बैठे 1.5 साल? क्या छात्रों पर लाठियां नहीं पीटी गई? क्या बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है? मिस गवर्नेंस का मुद्दा कोरोना काल में नहीं उठा? महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं?
इसके बावजूद भी ये एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बना सकते हैं? बढ़ती हुई भीड़ देख लीजिए, अखिलेश यादव के जितने भी कार्यक्रम थे वहां पर भीड़ की तुलना देख लीजिए। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे और प्रजातंत्र टीवी के माध्यम से डिजिटल चाणक्य ने जो सर्वे किया, लाखों लोगों के पास में गए, उसके बाद जो एग्जिट पोल निकल के आता है वो आप सभी लोगों के सामने रख रहे हैं। तो अब सायरन की आवाज आ चुकी है, तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सपा को मिल सकता है बहुमत। जी हां, तो इस वक्त हमारे एग्जिट पोल में जो सीटें निकल के आ रही, उत्तर प्रदेश में सपा को 225 से 250 सीटों की उम्मीद। तो एग्जिट पोल के माध्यम से आपको बता दें उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मात्र 135 से 150 सीटें सिर्फ मिल सकती हैं। अब 10 तारीख का इंतजार करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सैंपल साइज था डिजिटल चाणक्य का कि अगर बहुजन पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 20 से 30 सीटों पर की उम्मीद है। और वहीं कांग्रेस की बात करें, जहां तक कि प्रियंका गांधी ने लगातार बहुत सारी मेहनत की थी, प्रियंका गांधी की रैलियों में भी काफ़ी भीड़ आ रही थी, तो उसके नज़रिए से देखे जाए तो डिजिटल चाणक्य के सर्वे सैंपल बहुत ज़्यादा थे। कई लाख लोगों के साथ पास में वो लोग गए, उन्होंने सर्वे किया और उसके माध्यम से कांग्रेस को 15 से 25 सीटों की उम्मीद है और अन्य के खाते में 5 से 10 सीटें जाने को दिखाई दे रही है। तो किसान आंदोलन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है एवं छात्रों एवं युवाओं की नाराजगी बहुत बड़ा मुद्दा बनी है। अब हम बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी के खाते में 225 से 250 सीटें जाने की उम्मीद है। तो ये प्रजातंत्र टीवी का एग्जिट पोल, जहां पर समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जहां अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा को महज 135 से 150 सीटों की उम्मीद जताई जा रही है। तो अब हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा, जहां पर एक एक मुद्दे पर बात करेंगे, किन मुद्दों पर वोटिंग हुई है, कितने लोगों ने इस डिजिटल चाणक्य के सर्वे में भाग लिया, सारी चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ में एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले भी एक बार फिर से आप सभी लोगों को बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनती हुई नजर आ रही है। अगर सीटों की बात करें तो 225 से 250 सीटों की उम्मीद समाजवादी पार्टी के माध्यम में समाजवादी पार्टी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो महज 15 से 25 सीटें और बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो 20 से 30 सीटों के बीच में, अन्य के खाते में 5 से 10 सीटें। और एक बार फिर से आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो प्रजातंत्र टीवी पर डिजिटल चाणक्य का सबसे सटीक और बेबाक विश्लेषण के तहत मैं आपको बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की सीटें 225 से 250 सीटों की उम्मीद और पूर्ण बहुमत से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो अब चर्चा शुरू करते हैं पैनल के साथ, मैं आपका सब लोगों का परिचय बता देता हूं।